सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों की ओर। खबर देवरिया से है, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर दो प्रत्याशी फूट फूट कर रो पड़े। वहीं एक प्रत्याशी ने मायूस होकर सभी निर्दल पर्चा भरे हैं। टिकट कटने पर पार्टीधारियों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिस पर आशंका जताया है कि प्रत्याशियों के समर्थक में काफी रोष देखा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में नेताओं के लिए सहानुभूति दिख रहा है। पर्चा दाखिल के अंतिम दिन तक प्रत्याशी फिरोज अंसारी इंतजार कर रहे थे। हमको एक बार मौका दीजिए, हमको एक बार मौका दीजिए, हम कहीं भी आपके सम्मान में कमी नहीं है। यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी, यादव जी देखिए, बता दें आपको, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आया था, अब उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या वो लोग बोल के गए हैं। वहाँ पे हम दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार गए हैं। हर बार दिलासा दिलाया गया है कि अभी वक्त है, अभी वक्त है। लास्ट टाइम हम पिछले तीन दिन पहले भी गए थे, तो वही कहा कि आप पर्चा भरिए, हम लोग साथ में हैं और हम लोग आपका मान के चलिए कि हम लोग आपको चुनाव चिन्ह देंगे। लेकिन जब हम देखते देखते लास्ट दिन आज हुआ है, तो हम जाके चुनाव अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आगे रहेंगे क्या हमको, जब निकाल दिया हमको तो हम क्या रहेंगे समाजवादी पार्टी में? मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा और जनता बताएगी कि रुद्रपुर का नेता प्रदीप यादव किसान का बेटा गरीब है, जो हिस्ट्री सीटर माफिया राम भुवाल है, जिसको टिकट दिए हैं, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं 307 और 302 के, कह रहे थे माफिया को नहीं टिकट देंगे, अपराधियों को नहीं टिकट देंगे। क्यों दे दिया अपराधी को टिकट? खबर बदायूं से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर जिलाधिकारी बदायूं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पत्रकारों के साथ बैठक की। जनपद की कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनता को पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने की अपील की। वहीं हाथरस में ग्रामीणों की तरफ से चुनाव बहिष्कार की लगातार आवाजें उठ रही हैं। बुलंद सिकंदरब राव विधानसभा के बाद अब हाथरस विधानसभा के नगला आलिया के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। बता दें कि सिकंदरा राव के वाजिदपुर में पुल निर्माण नहीं होने से लगभग 12 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इसी समस्या से परेशान ग्रामीणों की तरफ से चुनाव बहिष्कार का ऐलान दिया गया। ग्रामीणों की माने तो अभी तक चुनाव में उनका मतदान केंद्र इसी गांव नगला आलिया में बनाया जाता था, लेकिन अब की बार जिला प्रशासन की तरफ से उनके गाँव का मतदान केंद्र 2 किलोमीटर दूर स्थित मतदान केंद्र में बना दिया गया है। हमारे गाँव में 1600 करीब वोट है जी, और इसलिए किया है कि ये आदमी वहाँ कोई डालने नहीं जा रहा है जी, इसलिए या तो हमारे गांव का डिब्बा यहाँ रखवा दिया जाए। तो वो डालने क्यों नहीं जा रहा, कारण क्या है? इसलिए नहीं जा रहे, को दूर है वहाँ। कितना दूर होगा? 2 किलोमीटर। ये इसलिए किया है कि हम जब से हमारी जानकारी, जब से हम पैदा हुए, ध्यान हुआ हमें, हमारे यहाँ पे ही वोट पड़ते हैं और हमारी ग्राम पंचायत भी बड़ी है, सबसे ज्यादा वोट है हमारे गाँव में, और ये बूथ हटा करके दूसरे गाँव में क्यों दे दिया गया है? कितना दूर है पूरे? 2 किलोमीटर। बड़ी अब ये बताओ, गांव के बुजुर्ग रोड लोग हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, रास्ता सही नहीं है, वो कैसे जाएंगे वहाँ? इसलिए करा गया है कि 60 साल से यही बूथ बना हुआ था जी, इसलिए बूथ वहाँ पे पहुँचा दिया है, यहाँ से 2 किलोमीटर है जी। हमारे गांव की महिला और बुजुर्ग वोट डालने नहीं जाएंगे वहाँ पे, इसलिए हम बहिष्कार करते हैं कि बूथ यहीं किया जाए। क्या चाहते हैं फिर आप? हम ये चाहते हैं कि वहाँ वोट डालने महिला और बड़े बूढ़े नहीं जाएंगे, तो हम सब लोग बहिष्कार करेंगे। हम मतदाता हूँ, हम तो अपनी तरफ से उनको मोटिवेट कर ही रहे हैं, वो लोग मना कर रहे हैं, इसमें हम क्या करें? इसके लिए उच्च अधिकारियों को भी सूचना कर दी गई है। अभी 26 जनवरी को नायब तहसीलदार सर भी आए थे, उन्होंने भी सबको समझाने का प्रयास किया, पर उन्होंने कहा था इस बार तो एक्चुअली कन्फ्यूजन के चलते ये बूथ चेंज हो गया है, क्योंकि अभी तक बूथ रहा है यहाँ पर हमेशा प्राथमिक विद्यालय में। इस बार ऐसा हुआ है कि इसी गाँव में
प्राथमिक विद्यालय भी है और संविलियन विद्यालय भी है जी। तो इसके कंफ्यूजन के चलते बूथ संविलियन विद्यालय में पहुंच गया। अमेठी में मुख्यालय गौरीगंज स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर हुए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया हुआ। डीएम और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट परिसर में मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर डीएम और एसएसपी और सीडीओ समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। जिले के सैकड़ों युवाओं ने 9 किलोमीटर के मैराथन में दौड़ हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ के माध्यम से लोगों को आगामी 27 फरवरी को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी का जो इस बार मतदान बढ़ाने का जो निर्णय है, जो उन्होंने एक हमारा टारगेट रखा है कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो पिछली बार के सापेक्ष एटलीस्ट कम से कम 10% बढ़ना चाहिए, उन्हीं के निर्देशन में आज ये स्वीप का कार्यक्रम, स्वीप मैराथन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें प्रशासन के लोग थे, सभी विभागों के लोग थे, हमारे जो बच्चे हैं नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने भाग लिया था, माध्यमिक शिक्षा के बच्चों ने भाग लिया था। और हम यही संदेश देना चाहेंगे, यहां से जो बच्चे आज प्रतिभाग किया है वो एम्बेसडर बनकर जाएं और हर गांव में हर बूथ पे लोगों को प्रोत्साहित करें कि मतदान के दिन 27 फरवरी को वोट करें। तो लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, उसी कार्यक्रम की कड़ी थी कि मतदान के बीच में हम आ गए हैं और ये बहुत अच्छा एक हमारा काम था, आज सुबह हुआ है, बहुत उत्साह था युवाओं में और ये दौड़ थी 9 किलोमीटर की, सबने पूरा किया है, इसमें लोग जीते हैं और सबने दौड़ पूरी की है और हमारे अधिकारियों ने भी दौड़ पूरी की है, तो बहुत उत्साह था सब में और मतदान को लेकर इतना अच्छा उत्साह जो है वो बहुत आशा का संकेत देता है। सिद्धार्थनगर के विधानसभा 306 डुमरियागंज के AIMIM प्रत्याशी इरफान मलिक ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रत्याशी इरफान मलिक ने कहा कि हम सपा के समर्थक नहीं थे, हम शिवपाल यादव के साथ थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सम्मानजनक सीट नहीं दिया शिवपाल यादव को, इसलिए हम AIMIM से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि इरफान मलिक सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन सपा से टिकट न मिलने के बाद वो AIMIM पार्टी में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि कमाल क्या है, कमाल को लोग कमालेश मलिक को लोग कबीर पंथी और बौद्धिस्ट मतलब चाहे जो कबीर और बुद्ध की धरती के जानकर रहने वाले लोग जितने लोग हैं वो कभी ये नहीं समझ पाए कि ये हिंदू हैं मुसलमान हैं। हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है और इंसानियों की खिदमत करना है, हमारे डुमरिया इनके आवाम के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करना। उनका विकास क्या है, उनका विकास ये है, वीडियो वायरल हो रहा है, सारी चीज़ वायरल हो रही है कि आप देखिए कि उनका, तो मैं उनके विकास पे नहीं बात करूंगा, उनके विकास जनता तय कर देगी। मैं अपने बाप के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ MIM पार्टी से, मैं सदर साहब के लिए और मैं अपने बाप मलिक कमाल यूसुफ के किए हुए कामों पे और मैं उनके नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ और लोग हमारे बाप को सहयोग कर रहे हैं। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सपा और हिजाब के मुद्दे पर जबरदस्त हमला किया है। रायबरेली में उन्होंने कहा कि देश सपा और हिजाब से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। साक्षी महाराज यहां ऊंचा हार से भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की। साक्षी महाराज ने सपा की सीटों को लेकर किए गए सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह 400 नहीं बल्कि 500 सीट लेकर आए। मौर्या जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं और भारी बहुमत से यहाँ जीत करके जाएंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। सपा के पास इस प्रकार की अनर्गल बातें करने के अलावा और कुछ है नहीं। हर एक स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है, आप पुलिस को देख रहे हैं उसका अपना ड्रेस कोड है, तो भारत के संविधान से स्कूल चलेंगे, सपा के हिसाब से हिजाब के हिसाब से स्कूल नहीं चलेंगे। मुझे लगता है कर्नाटक सरकार ने जो निर्णय लिया है वो प्रदेश की सभी सरकारों को निर्णय लेना चाहिए, स्कूल को कम से कम हिंदू मुसलमान से बचाना चाहिए। कर...
कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर आने की अनुमति दी है, वहीं इस मामले को लेकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने यूनिफॉर्म में स्कूल आने को लेकर समर्थन किया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय से अनुरोध हुआ है कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वहीं इकबाल अंसारी ने यह भी कहा कि इस समय सवाल इलेक्शन का है और हिजाब का मामला कर्नाटक की बात है, स्कूल हो या कॉलेज वहां पर यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। ये सवाल जो है इस वक्त इलेक्शन का है और इलेक्शन में ये जो है ये कर्नाटक की बात है, मामला हिजाब का है। हिजाब जो है बाहर के लिए है, स्कूल जो है स्कूल हो चाहे कॉलेज हो वहाँ यूनिफॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है कि इस लोग कॉलेज आवेंगे तो जो है यूनिफॉर्म में आएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। इस्लाम जो है कहीं ये मना नहीं किया है कि आप हिजाब ना पहने, हिजाब तो बाहर के लिए है, पर्दा बाहर के लिए है। स्कूल में किस जो है सुरक्षा होती है यूनिफॉर्म में, क्योंकि अगर कोई लड़का कोई लड़की हो लड़का हो छात्र हो छात्राएं हो अगर बाहर कहीं घूम रही हो तो कम से कम यूनिफॉर्म में जो रहेंगी तो कम से कम स्कूल का जो प्रिंसिपल है मास्टर है वो अपने बच्चों को गाइड करता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो इस पर लोग राजनीति ना करें, क्योंकि आजकल जो है दौर जो है इलेक्शन का है और इस पर लोग राजनीति करते हैं कि हिजाब मना कर दिया गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ सच्चाई है वो केवल इलेक्शन की है कि इलेक्शन में लोग हिजाब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही बेहतर है। सवाल हिंदुओं का है, जय श्री राम का नारा वो लोग लगाते हैं, उनके धर्म की चीज़ है वो, हमारे धर्म में कोई बुराई नहीं है, ना वो हमारे धर्म की बुराई करते हैं। वो लोग अपना भगवान का नाम लेते हैं, वो जय श्री राम का नारा चाहे वो अपना घर हो कहीं भी लगावें। अब जो है मुसलमानों को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है लोग याद रखें तो अगर हिंदू है तो वो भगवान राम का नाम लेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं ना। ये सवाल जो है इस वक्त इलेक्शन का। वहीं बांदा में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुखिया चले मतदान की ओर कार्यक्रम में हुआ, जिसमें जनपद में 470 ग्रामों में ग्राम प्रधान और डीएम सहित अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट की अपील की गई है। हम बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं 75% प्लस मतदान के लिए, उसी कड़ी में आज जो हमारे इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का कार्यक्रम है उसका थीम है मुखिया चले मतदान की ओर। तो इसके तहत हमारे जितने 469 ग्राम प्रधान हैं सबको हमने यहाँ पर बुलाया है और इन 469 ग्राम प्रधान जो अपने गांव के मुखिया हैं इनको प्रेरित करते हुए हम गांव में अपने सभी 469 ग्राम पंचायतों में इन प्रधान जी के माध्यम से 75% से अधिक मतदान करने के लिए हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं। और हमारे सारे अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे जितने पहले भी कार्यक्रम हुए हैं जिसमें 101 अधिकारी 202 गांव को गोद लिए थे, हमारे 58 प्रधान जो निरीक्षक थे साक्षर हो गए हैं, इनसे जुड़े हुए अधिकारी और इनसे जुड़े हुए प्रधान सब यहां पर उपस्थित हैं। रायबरेली में भाजपा का प्रचार करने के आरोप में एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है, लोहे की रॉड और डंडों से युवक की जमकर पिटाई की गई है और गंभीर में युवक को छोड़कर हमलावर फरार हो गए। आरोप है कि भाजपा का प्रचार करने के बाद युवक की पिटाई हुई। जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि युवक के सिर में गंभीर चोट लगी है और इलाज जारी है। हमारा कौन सा लगता है, क्या हुआ आपके साथ थाने जो आई यार? क्या हुआ आपके साथ जो आप थाने आई हुई? किसने मारा है? किस लिए मारा है? उधर लिए जाता रहा सीन ना, पर यही होटल के पीछे चले जाऊँ, वो प्रचार में चले जाते रहे, वो चले जाऊँ उसके वाले के। हाँ जी, एक करीब 20-25 साल का युवक है जिसको जतुआ टप्पा में इससे पहले उन्होंने मेडिकल किया, जांच किया था और वहाँ से रिफर्ड केस था, उसको चोट आई थी, उसको हमने यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद एडमिट किया है सर्जन के अंडर में। कैसी चोटें रही होंगी डॉक्टर साहब? सर चोटों का तो अभी तो फिलहाल चोटों का हमने मुआयना नहीं किया है, क्योंकि मुआयना इसका इससे पहले जतुआ टप्पा CSC में हो चुका है और वैसे देखने पर बाहरी चोटें हल्की चोटी दिख रही थी, लेकिन आगे की जांचों के लिए उसको भर्ती करके उसको जांच के लिए लिखा हुआ CT scan और एक्सरे।
फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह में आज दिन में अंधेरा छा गया। बता दें कि मेंटेनेंस के चलते आज सिविल अस्पताल बादशाह खान में शाम 4 बजे तक बिजली कट रहा है। इसकी सूचना पहले अस्पताल प्रशासन को दे दी गई थी, जिसके चलते अस्पताल ने पहले ही तैयारियां कर रखी थी, लेकिन सूचना के बाद भी ओपीडी में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अस्पताल के डॉक्टर भी टॉर्च की लाइट जलाकर मरीजों का इलाज करते हुए दिखे। इसी परेशानी का सामना कर रहे कुछ बच्चों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो किस रूम में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, तो कैसे होगा? बिना लाइट के तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी देर हो गई लाइट गए हुए? लाइट गए हुए होगा करीब करीब 1.25 घंटा हो गया। तो लाइट नहीं है? लाइट नहीं है इतना टाइम। तो किस तरह की परेशानी सामने आ रही? परेशानी ही परेशानी है सारी, बिना लाइट के कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। आप देखो ना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? बादशाह खान हॉस्पिटल है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या बिजली की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यही तो है गवर्नमेंट का, कि भाई देखो गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर रही है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए और लाइट की कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। अभी गई बिजली? अभी गई है। हाँ। कितनी देर हुई है? 10 मिनट हुई है। 10 मिनट हुई है। तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या बिजली की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसमें? आ जाएगा, थोड़ी देर में आने वाली है। बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी। कौन है आपका यहाँ पेशेंट? ये अनीता नाम की है। महिला भर्ती है? हाँ। हार्ट की परेशानी है घर वाले। अच्छा, तो कितनी देर से बैठे हो? भेजिए हमें 2 घंटे। लाइट नहीं है तब से? नहीं है। तो किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? लाइट नहीं है, अंधेरा नजर आ रहा है जी, परेशानी परेशानी है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? रायबरेली में लॉटरी के लालच में एक युवक ठगी का शिकार हुआ है। युवक के पहचान पत्र के माध्यम से शातिस पैंडील की फेक आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्नैपडील के नकली पहचान पत्र के माध्यम से 2019 में बहुत से लोगों से ठगी की गई थी। युवक ने साइबर सेल में इस मामले की शिकायत की है। ठगी करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। यह मामला डी थाना क्षेत्र के मजरे गोपालपुर का है। मेरे साथ साइबर क्राइम हो रहा है, उसके तहत लोगों से ठगी की जा रही। मेरा फेक आईडी बनाकर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्नैपडील में फर्जी फेक आईडी बना के, छोटा सा कार्ड बना के मिसयूज कर रहे हैं, लोगों से ठगी कर रहे हैं। और मेरे साथ कहीं बाहर से पुलिस आती है, कहीं यहाँ से पुलिस आती है, और मैं पढ़ने लिखने का छात्र हूँ, मुझे किसी तरीके से जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। हर दूसरे तीसरे महीने बाहर से पुलिस आई रहती है। यहाँ पर भी अप्लीकेशन दिया है, SP ऑफिस में भी 2 बार, थाने में भी दिया है, चौकी में भी दिया है, लेकिन अभी तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। खबर बांदा से है, जहां फतेहपुर थाना के एक गांव में बीते 4 महीने पहले युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए पीड़िता को अस्पताल भेजा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। उसने इतना बताया, कहा थी मैं टॉयलेट जा रही थी। हाँ। मैं जब टॉयलेट होती थी तब मुझे देख लिया था, दारू गांजा सब किए था या मुझे। अच्छा, मार तो बाथरूम गई हुई थी? बाथरूम गई थी, मुझे सब बताया। कहाँ पे पकड़ा था इसको? अररिया में पकड़ी थी सर। हाँ? अररिया में खेत में पकड़ लिया था। हाँ। तो क्या किया था फिर इसके बाद? रेप जबरदस्ती नहीं कर दिया सर। जबरदस्ती? हाँ। क्या किया जबरदस्ती? मतलब जबरदस्ती उसके साथ गलत किया, गलत काम किया था। फिर इसके बाद अभी तक क्या पुलिस ने आरोपी को पकड़ा या नहीं पकड़ा? जब सोच। खबर रायबरेली से है, जहां पर मवेशियों को लेकर ले जा रहा ट्रक रफ्तार तेज रफ्तार में पलट गया। ट्रक में ज्यादा मवेशी भरे हुए थे, जिसकी वजह से कई मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने ट्रक के गेट को तोड़कर मवेशियों को निकालना शुरू कर दिया है। ये घटना गदागंज कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर माधव गंदा नाला पुल का है। तो देखा जा रहा है इसमें एक जानवर सब लदे और देखो सब तड़प तड़प के मार रहा है। अच्छा, तो रात की घटना है? रात में घटना हुई है। अभी यहाँ कुछ पुलिस वगैरह आई? कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। कहाँ की घटना है, कौन सा थाना लगता है? गदागंज लगता है। मथुरा में ओवरलोड डंपर ने महिला को रौंद दिया। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को जाम कर दिया है और डंपर चालक को ग्रामीण ने पकड़ लिया है। आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि पुलिस की शह पर सैकड़ों ओवरलोड डंपर चल रहे हैं। वहीं इस मामले में लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।